नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक देश में इसमें 193 सदस्य थे। UNO की स्थापना मित्र राष्ट्र के द्वारा किया गया था, जो कि मेन रूप से विश्व युद्ध जीते हुए थे। संस्थापक देश में USA यानी कि अमेरिका, USA, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंग यानी कि UK था। तो इसके संस्थापक देश में कितने देश थे? तो 5, USA, रूस, फ्रांस, चीन और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश विश्व युद्ध जीते हुए थे। UNO का मेन मकसद था कि वह दुनिया में क्या करे, शांति कायम कर रखे और दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति न बने। इसी कारण UNO की स्थापना किया गया था, जिसमें 193 देशों ने भाग लिया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के निवासी है। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं, लेकिन इससे पहले 1965 से पहले इसमें 11 सदस्य ही थे, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थाई हैं। अस्थाई मतलब कि 5 सदस्य परमानेंट रहेगा ही, और इन 5 सदस्य में USA, रूस, फ्रांस, चीन और UK है, और इसी के पास मेन वीटो पावर है यानी कि निषेध शक्ति है। तो इन 5 देशों के पास क्या है? वीटो शक्ति है यानी कि वीटो पावर। सुरक्षा परिषद यानी कि UNO में 15 देश है, जिसमें से 5 देश अस्थाई है तथा 10 देश अस्थाई है। अस्थाई देशों का चुनाव UNO में 2 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत भी UNO के द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना गया है, जिसमें से 193 देशों में से भारत को 184 देशों ने वोट किया था। UNO की भाषा, UNO की 6 भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज और रशियन। यानी कि रूस में बोले जाने वाली भाषा और अरबी। UNO की 6 भाषा है। 6 भाषा में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, अरबी। अरबी UNO की नई भाषा है। UNO की कार्यकारी भाषा जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो भारत भी UNO का अस्थाई सदस्य कई वर्षों से बनते आ रहा है, और 2021 में भी बना है, जिसमें से 193 देशों में से 184 देशों ने भारत को वोट किया था। भारत का
इतना बार अस्थाई सदस्य बनना अस्थाई सदस्य की ओर इसे अग्रसर करता है। और यह यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन, यूके जैसे भी बन सकता है और उसमें उस भारत को वीटो पावर मिल सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। एशिया का एकमात्र देश चाइना, जिसे चीन कहते हैं, एशिया का एकमात्र देश चीन, जो कि यूएनओ में अस्थाई सदस्य है, या यूएनओ में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहता है और यह भी नहीं चाहता है कि भारत कभी यूएनओ का अस्थाई सदस्य। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।